आज कुछ नया ट्राई करते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? आओ मैं सिखाती। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे फॉलो करो। एक चौकोर पेपर लो और उसे तिकोना मोड़ो ऐसे, और दूसरे साइड से भी तिकोना मोड़ना है। दोनों ही कॉर्नर को पहले ठीक से मिला लो और उसको उंगली से प्रेस कर दो, और फिर इस लाइन को नीचे वाले लाइन से मिलाओ। एक ही पेपर को मिलाना, दोनों पेपर नहीं मोड़ना, मतलब दोनों परत नहीं मोड़ना। और इस जगह एक चिन्ह बनाओ। इसी चिन्ह पे ये नीचे वाली लाइन को ऊपर की ओर मोड़कर मिला दो। इस तरह से, ठीक है? अभी आप ध्यान से देखो मैं कहाँ से मोड़ रही हूँ। किस लाइन से किस लाइन को मिला करके मोड़ा जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है, ये आप ध्यान से देखो। अभी इस कॉर्नर को नीचे की तरफ मोड़ना है। यहाँ पर पहले से कोई मोड़ा हुआ लाइन नहीं था, बस आपको मोड़ना है। दोनों ही कॉर्नर को इस तरह से मोड़ना है। इस लाइन को इस लाइन पे, पहले नीचे का जो पतला भाग है उसको मिला देते हैं ठीक से, फिर ऊपर मुड़ जाता है आराम से। अभी दूसरे तरफ से भी सेम तरीके से करेंगे। और अभी जो ये कॉर्नर बना उसको दोनों उंगलियों की मदद से ऐसे पकड़ करके और फिर अच्छे से दबाओ उसको। देखो कैसे दबाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ भी ठीक सेम तरीके से करना है। ठीक, हो गया ना दोनों एक जैसा। इसको पलट दिया और यहाँ पर देखो, यहाँ पहले से कोई फिक्स लाइन नहीं है जिस पे आपको मोड़ना है। बस ये दो जो कॉर्नर दिख रहे हैं ऊपर में, वो लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर में फ्री होना चाहिए, और तब उस पेपर पर मोड़ दो। अभी इस लाइन, ये जो लाइन है ना, इसको आपस में ही मिला करके मोड़ना है इस तरह से। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। ये दोनों उंगली से ऐसे पकड़ो और उसको अच्छे से दबाओ। दबाया, और अभी बीच से मोड़ना है इसको इस तरह से। मोड़ दिया। अभी इस लाइन पर, ये जो लाइन है इस पर आप ऊपर की तरफ मोड़ो। ठीक है, दूसरे साइड से भी ऐसे ही करना है। ओके, भी ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये वाली और ये किनारा, दोनों को मिलाओ यहाँ पे। और फिर से दोबारा उसको मोड़ो बाहर की ओर। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करो सेम तरीके से। अभी ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर जो ये कॉर्नर है, इसको पकड़कर नीचे की तरफ पहले मोड़ो। और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ दो। अब ऐसे ही दूसरे साइड का भी करो। पहले बाहर की ओर मोड़ते हैं, मोड़ के अच्छे से दबा दिया, और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं।
अभी बीच से दोनों ही कॉर्नर को मोड़ना है यहाँ पे, यूं और फिर इस तरह से मोड़ दिया, ये बन गया इसका मुंह और ये है पीछे का भाग जो दाहिना हाथ देख रहे हो, और उंगली से दबाकर ऐसे अंगूठा से यहाँ पर इसका पूंछ तैयार करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे इसको मोड़ रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं। ये पूंछ तो बन रहा है पर देखो अभी कैसे दोनों पूंछ चिपका हुआ है, तो इसे दो अलग अलग दिखाना है, इसके लिए आप इसको ध्यान से देखो कैसे मोड़ रहे हैं, देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे से फोल्ड बन रहे हैं ना, तो आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी आपको। ध्यान से भी देखो और फिर भी ना आए तो उसको पॉज करके दोबारा वहां से देखो बैक करके। अभी यहां से इसको ऊपर की तरफ ऐसे टर्न करो, तो देखो ये जो चिन्ह है यहाँ पर उंगली की सहायता से थोड़ा अंदर से इसे खोलो और इसको अंदर की तरफ पुश करना है ऐसे, ठीक है? चलो इसको दोबारा देखो, आप इसको ऊपर ऐसे टर्न किया, फिर से ऐसे उंगली से खोला और जिससे पहले बताए थे ना कि अंदर की तरफ दबाना है ऐसे, ये देखो अब कैसे इसका पूंछ तैयार हो रहा है। देखा आपने, बन गया ना पूंछ इसकी। ये लीजिए आपका साग फेस तैयार है, बन गई इसकी आंखें, ये बना दिया इसके मुंह और दांत। ये लीजिए ये अब पानी में तैरने को तैयार है। देखो अगर पसंद आया सब्सक्राइब कर देना। बाय।